नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने गांधी संकल्प यात्रा निकाली। संकल्प यात्रा में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर भी शामिल हुए। संकल्प यात्रा नगर के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई रैदोपुर स्थित गांधी तिराहे पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद नीरज शेखर ने कहा कि देश की प्रत्येक लोकसभा में 150 किलोमीटर की पद यात्रा कर जन जागरूकता फैलाई जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र में संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। दुकानदारों से प्रत्येक दुकानों के साथ डस्टबिन लगाने, प्लास्टिक के सामान को पूर्णतः बंद करने की अपील की। संकल्प यात्रा रैदोपुर स्थित गांधी तिराहे पर पहुंची, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांसद नीरज शेखर ने कहा कि पार्टी पूरे देश में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जागरूक किया। नहीं, आज आप सबको पता है कि बापू की 150वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में पूरा देश उनकी एक जयंती मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि इस दिन स्वच्छता, हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम लोग ने पदयात्रा की अभी करीब 2-3 किलोमीटर की, और जहां भी हम लोग को दिखाई दिया हम लोग ने इकट्ठा करके और लोगों को ये भी बतलाया, दुकानदारों को और लोगों को, कि आप लोग डस्टबिन रखिए और स्वच्छता में आप लोग की भी भागीदारी हम लोग को चाहिए। अगर इस शहर को, आजमगढ़ को स्वच्छ होना है तो उसमें सब लोग की भागीदारी होनी चाहिए, यहाँ के जनमानस की भी, यहाँ के नेताओं की भी, यहाँ के दुकानदारों के, व्यापारियों की भी, तभी ये जिला स्वच्छ हो पाएगा। तो यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि देश स्वच्छ हो, और जब स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा। और इसलिए आप जानते हैं पूरे देश में लोग पदयात्रा कर रहे हैं, 150 किलोमीटर हर लोकसभा में लोग चलेंगे, और ये बस इसी जागरूकता के लिए, महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे, जो हम लोग स्वच्छता के हैं, और जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6-5 सालों में, वो लोगों तक पहुंचाना है।